हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट कपल फैमिली ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज देखिए, मैं आज आ गई हूँ पार्लर स्मूथनिंग करवाने। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तो सो गाइस, मेरी बेटी का बर्थडे है। तो बर्थडे में भी दो रीज़न था, एक मेरी बेटी का बर्थडे है और मेरे देवर की शादी। तो इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम स्मूथनिंग करवा रही हूँ। तो मुझे कब से मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ, तो मुझे स्मूथनिंग मतलब कि स्मूथनिंग का सोच रही थी। मैं सोची पहले केरा स्मूथनिंग कराऊँ या कैरेटिन कराऊँ या स्मूथनिंग कराऊँ। तो बट सब ने सजेस्ट मुझे यही किया था, स्मूथनिंग कराओ। स्मूथनिंग में भी बाल स्ट्रेट हो ही जाते हैं, बस ये है कि उसकी केयर करनी पड़ती है, उसी का शैम्पू यूज़ करना पड़ता, तभी थोड़ा लॉन्ग टाइम तक की स्मूथनिंग रहती है। नहीं तो फिर अगर नहीं केयर करोगे तो फिर वैसे ही रिजल्ट आएगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि केराटिन करवाना है या स्मूथनिंग, तो सबसे बेटर मेरे लिए तो स्मूथनिंग था। तो आप अगर आपके ऊपर सजेस्ट करो अगर आप स्मूथनिंग करवा सकते हो। अभी हम घर आए हैं, 9 बज गई रात को। तो वैसे हम बहुत लेट गए थे, 3 बजे गए थे, और वहाँ से हम 7:30 बजे फ्री हो गए थे पार्लर से। तो अभी हमने सिर्फ स्मूथनिंग करवाई थी, बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट टाइम हमने कराया। आप सोच रहे हो कि इतना क्यों मैं मार्केट घूम रही हूँ और इतना क्यों मैं शॉपिंग कर रही हूँ। तो गाइस, एक्चुअली दो रीज़न है। एक तो मेरी बेटी का बर्थडे है और दूसरा रीज़न मेरे देवर की शादी है। तो इसकी वजह से देखो, मैंने हेयर स्मूथनिंग करवाई है और बहुत फर्स्ट टाइम करवाया, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और ये देखिए, बहुत ही अच्छा। और बस ज़्यादा कुछ वहाँ का क्लिप नहीं एड कर पाए, भी किया। और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।